इस शो में आप ये देखेंगे कि उनको भी ये चीज़ नहीं पता थी कि वो जब वो बच्चे थे तो वो अपने आप को बच्चा ही समझते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि वो भगवान है। आज से पहले आपने ये देखा है कि कृष्ण को हमेशा पता था कि वो भगवान है, ना कि यशोदा को पता था कि मेरा लल्ला लल्ला नहीं भगवान है, ऐसा कुछ नहीं पता था, एक नॉर्मल बच्चा और माँ। लेकिन धीरे धीरे जर्नी में कैसे डिफरेंसेस आए, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी, जिससे उन्हें पता चला कि वो खुद भी भगवान है। और इस कहानी में हम सिर्फ कृष्ण की कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की पहली माँ मतलब जिन्होंने जन्म दिया, कृष्ण की दूसरी माँ जिन्होंने पाला, या कंस या नंद बाबा, हर किसी की अपनी एक क्या कहानी है, क्यों उनकी लाइफ में और कैसे डिफरेंस आया कृष्ण के आने से, ये सारी चीज़ें आपको देखने को। इट्स माई ड्रीम रोल, मुझे बहुत समय से मन था कि मैं यशोदा का रोल करूँ, और बहुत सारे ऑफर्स भी आए, बहुत करते 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 फाइनली ये शो हुआ है, काफ़ी टाइम से इसकी बात चल रही है। तो ये इसमें क्या है कि यशोदा बहुत ही गंभीर हुआ करती थी, लेकिन जब से कृष्ण उनकी ज़िंदगी में आए वो भी उतनी ही नटखट हो गई थी। तो आपने आज से पहले मुझे लगता है ऐसी माँ का रोल नहीं देखा होगा जो खुद भी बच्चे के साथ उतनी ही नटखट थी, वो उतना ही इन्वॉल्व होती थी कृष्ण की हर शैतानी में, फिर खुद ही डांटती थी, फिर खुद भी रोती थी, फिर मनाती थी। तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक रोल फॉर एन एक्टर, और अगर वो बहुत अच्छे से इसको निभा पाया तो व्यूअर्स के लिए भी इट्स अ प्लेजर टू वॉच। कृष्ण के साथ में आपका ट्यूनिंग किस तरह से? बहुत अच्छी है, मैं खुद भी माँ हूँ, मेरी बेटी है, और तो थोड़ा मुझे बच्चों को हैंडल भी करना आता है, और ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये एकदम बहुत ही अच्छा बच्चा है। हम बहुत मज़े करते हैं, है ना। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर देखिए हमारा शो 19 जुलाई से 8:30 बजे रोज़ देखने को मिलेगा आपको NTV पर, मंडे से फ्राइडे। और आप मेरी बात मानिए, आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे शैतान से छोटे से काना को देखने में, मुझे देखने में, और हमारे जितने भी एक्टर्स हैं सब फैंटास्टिक है, स्टोरी लाइन इज़ ब्यूटीफुल, सो प्लीज़ डू वॉच इट।